रिलायंस का आया है रिजल्ट और लोग हैं बड़ा ही कंफ्यूज, समझ नहीं पा रहे कि यह है एक मौका या फिर जो राइट इश्यू हुआ है वो है एक धोखा। समझेंगे डिटेल में हम आज इस वीडियो में। हम कोई बेसिक रिजल्ट्स का एनालाइज नहीं करने वाले जो आपको अभी तक बहुत जगह से मिल चुका है। हम कुछ हिडन पॉइंटर समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, फिगर्स जानना एक अलग बात हो गई, उसका प्रॉपर इंटरप्रिटेशन करके कंक्लूजन निकालना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और कुछ ऐसे हिडन पॉइंटर्स जिस पे शायद अभी तक आपका ध्यान नहीं गया हो वो जानने की कोशिश करेंगे हम आज के इस वीडियो में। ध्यान से देखिएगा, कुछ ऐसे पॉइंटर्स है जो अभी तक आपने पक्का मिस करे होंगे। मेरा नाम है अनंत लड्डा, CFA CA CFP LLB, और आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर जिसका नाम है इन्वेस्ट आज फॉर कल। इस चैनल को अभी ही सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन क्लिक कर दीजिए, बाद में वरना भावनाओं में बह के सब्सक्राइब करना भूल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। सबसे पहले समझते हैं जो राइट इश्यू आया है ना वो क्या अच्छा है, हमें लेना है या नहीं लेना है, इस चीज को समझते हैं। राइट इश्यू जो टोटल अप्रूव हुआ है 53,125 करोड़, मतलब 53125 करोड़ का राइट इश्यू है। ये वन ऑफ द बिगेस्ट राइट इश्यू है, 15:1 के रेशियो में मिलेगा। मतलब आपके पास अगर 15 शेयर्स है तो आपको एक शेयर मिल जाएगा और प्राइस जो रहेगी वो लगभग रहेगी 1257 रुपीज पर शेयर के आसपास, जो कि दिन आज के दिन पे लगभग 14% के डिस्काउंट पे है। आज की जो प्राइस चल रही है उससे 14% नीचे मिलेगा। तीन पॉइंट समझना जरूरी है। सबसे पहले 15 शेयर होंगे तो एक शेयर मिलेगा, मतलब आपके पास अगर 15 शेयर है तो सिर्फ उस 15 शेयर के बेसिस पे आपको 14% नीचे एक शेयर मिल जाएगा, जो लगभग 1257 रुपीज पर शेयर पे मिलेगा। मतलब अगर ओवरऑल डिस्काउंट आपके पोर्टफोलियो पे बात की जाए तो सिर्फ और सिर्फ ये 1% का है। जी हाँ दोस्तों, ये सिर्फ और सिर्फ 1% का डिस्काउंट मिलेगा, वो भी अगर अपन आज की प्राइस लेके ध्यान में रखें तो। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिलायंस ऑलमोस्ट 800 रुपए तक चले गया था एक महीने पहले, आज इसको बढ़ा दिया गया है लगभग 1400 के ऊपर। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये एक बहुत बड़ा ट्रैप है जो एक बड़े से कार्टल ने मिलकर आपके लिए रखा है? क्योंकि अभी जो रैली भी आई है ना इक्विटी मार्केट में या सेंसेक्स में निफ्टी में, वो तीन मेजर कारणों की वजह से आई है, रिलायंस, HDFC बैंक HDFC और थोड़ा बहुत फार्मा, इन तीन के कारण रैली आई है। मोर देन दैट अगर समझा जाए, 800 का शेयर ऑलरेडी 1400 कर दिया है, बल्कि 1400 भी नहीं 1466 टू भी एग्जैक्ट कर दिया है। मतलब 800 का शेयर 1450 के ऊपर ले गए हैं। अब उसका राइट इशू 1257 पे लाए है, और मुझे ये लगता है ये राइट इशू जब आज मुझसे 10 दिन पहले भी आप कोई पूछते सो हम लोग सब एक्सपेक्ट कर रहे थे 800-900 नहीं तो मैक्सिमम 1000 रुपए के प्राइस पे आना चाहिए। ऑल ऑफ अ सडन इस शेयर का प्राइस बहुत बड़ा, ये हमारा सेकंड पॉइंट चल रहा है, ध्यान से सुनिएगा। ऑल ऑफ अ सडन इस शेयर का प्राइस बहुत बड़ा और राइट इशू एक बहुत ही इन्फ्लेटेड प्राइस पे आया हमारे सामने। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये एक बहुत बड़ा धोखा है, समझने की जरूरत है। और थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसमें कहा यह जा रहा है कि मुकेश अंबानी सर ने कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो वो खुद भी रिलायंस भी इसको शेयर बाय कर लेगा। सर उनको तो बाय करना ही पड़ेगा ना, वो इतनी बड़ी कंपनी है कि वो इस इश्यू को फेल होते हुए नहीं देख सकते। तो उनका ये स्टेटमेंट कि वो खुद भी बाय करने के लिए रेडी है, इससे हमें कुछ इंटरफेरेंस नहीं लगाना चाहिए, कुछ भी हमें इंटरप्रिटेशन नहीं करना चाहिए, ये कंप्लीटली डिफरेंट थिंग है। हमें मेरे हिसाब से आज के दिन सिर्फ और सिर्फ राइट इशू की बात करें तो बहुत ही ज्यादा ओवर प्राइस्ड है। मोर देन दैट, अगर कुछ समय रुका जाए तो मुझे लग रहा है कि प्राइस कुछ इन्फ्लेट कर दी गई है रिलायंस की, और ऐसा ना हो राइट इशू से नीचे मार्केट में मिलना स्टार्ट हो जाए, वेरी हाई चांसेस ऐसा होने की। मोर देन दैट, जो रिजल्ट भी आया है ना वो भी इतना सुपर्ब नहीं आया, और उसमें से एक दो चीजें जो एक्सेप्शनल लॉस वाली चीज है वो तो बड़ी गलत भी है, मतलब उसका मिस रिप्रेजेंटेशन किया गया है और कई लोग उस चीज को समझ नहीं पा रहे, वो हम नेक्स्ट पॉइंट में समझेंगे। राइट इशू को कंक्लूड किया जाए तो मेरे अकॉर्डिंग राइट इशू है बहुत ही ज्यादा महंगा। सो हमें इस राइट इशू को, अभी की सिचुएशन को, मार्केट कंडीशन को, और साथ ही साथ जो मार्केट इन्फ्लेट हुआ है रिलायंस की वजह से, इस चीज को ध्यान में रखते हुए अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं रिजल्ट्स की। रिजल्ट्स अगर पहले ऊपर से थोड़ी सी बात कर ली जाए, जो क्वार्टर फोर का जो अभी मार्च का रिजल्ट आया है उसका रेवेन्यू रहा है 73956 करोड़, इसके वर्सेस जो क्वार्टर थ्री था उसका रेवेन्यू था 86289 करोड़, मतलब काफी गिरा है रेवेन्यू। उसी के अकॉर्डिंग प्रॉफिट भी काफी गिरा है, प्रॉफिट अभी था 2580 करोड़, पहले था 9585 करोड़, मतलब लास्ट क्वार्टर के बेसिस पे, लास्ट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हर तरीके से देख लिया जाए तो 15 से लेके 25% तक की रेवेन्यू में डिक्रीज हुआ है। और पता है ये जो फिगर्स है अभी भी थोड़े से अच्छे इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि इन्होंने अपनी बुक्स में ऑलमोस्ट 4200 करोड़ का एक्सेप्शन लॉस दिखाया है इन्वेंट्री में जो ऑयल की इनके पास थी। आप सभी को पता है बड़े रिसेंटली ऑयल की प्राइस बहुत गिर गई थी, जिसकी वजह से जितनी भी ऑयल ट्रेडिंग कंपनीज थी उनको लॉस हुआ था, रिलायंस को भी लॉस हुआ था 4200 करोड़ का।
अगर आप किसी प्रोडक्ट में ट्रेड करते हो उसमें लॉस होता है तो वो बिजनेस लॉस होता है, ना कि एक्सेप्शनल लॉस। इस समय रिलायंस ने ये जो 4200 का लॉस हुआ है, इनको जो ऑयल की ट्रेडिंग पे हुआ है उसको एक्सेप्शनल लॉस दिखाया है। अगर इसको जैसे ही अपनी बैलेंस शीट में और अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में आ जाए ये अमाउंट, तो इनके जितने भी फिगर्स अभी थोड़े थोड़े ठीक ठीक से लग रहे हैं वो बहुत बिगड़ जाते हैं। चाहे इनका इबिट्टा हो या कोई सा भी फिगर हो, आप रेवेन्यूज का ईपीएस हो या कुछ भी फिगर हो, सब बहुत ज्यादा डिस्ट्रॉय हो जाते हैं जैसे ये 4200 करोड़ का फिगर मेन पीएनएल में आता है। इसीलिए इसको एक्सेप्शन आइटम बता के नीचे रख दिया है। तो हमें ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी। आई नो ये वन ऑफ लॉस है, पर लॉस तो ट्रेडिंग लॉस ही और बिजनेस लॉस ही मानना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, इसको एक्सेप्शन आइटम दिखाना थोड़ा सा इन्वेस्टर्स के समझने में दिक्कत आ जाएगी। इन्वेस्टर्स को लग रहा है कि यार थोड़ा सा ईपीएस गिरा है, थोड़ी सी अर्निंग गिरी है, बट इतना तो सब जगह हुआ है। रिलायंस पर इंपैक्ट के जो रिजल्ट्स है मुझे पर्सनली पसंद नहीं आए, बहुत ही खराब रिजल्ट्स है। और मान लिया जाए ये भी कि अगर ये 4200 लॉस है जो ओरिजिनल लॉस है ट्रेडिंग का होना चाहिए, तब तो फिगर्स और भी खराब हो जाते हैं। तो हमें ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी। इस चीज को कंक्लूड करें तो रिजल्ट्स के चाहे रेवेन्यू हो, चाहे प्रॉफिट हो, चाहे ईपीएस हो, सब कुछ गिरा है। जियो पे भी बात करेंगे, लोग बोल रहे हैं कि जियो का यूजेज बढ़ा है और वो अच्छा हुआ है, उसको हम नेक्स्ट पॉइंट में डिस्कस करेंगे। मेरे अकॉर्डिंग वो भी अभी इतना अच्छा नहीं हुआ है, समझने की कोशिश करेंगे। रेवेन्यू प्रॉफिट सब गिरा है। इस फिगर में अगर मैं जो एक्सेप्शन आइटम है और जो मैंने पीएनएल से बाहर रखा है 4200 करोड़ का आइटम, उसको अगर मैं पीएनएल में डाल दूं तो ये फिगर और बिगड़ते हैं, ध्यान रखने की बात है। नेक्स्ट बोला जा रहा है कि जियो का रेवेन्यू बढ़ा है, बिल्कुल बढ़ा है। कितना बढ़ा है? 14835 करोड़ हुआ है। पहले था 13968 करोड़ लास्ट क्वार्टर में, सो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़ा है। जो एवरेज रेवेन्यू पर जियो यूजर है वो 130 रुपीज बढ़ गया है, 130.6 हो गया है, पहले 128 था। इसमें एक ग्लिंच है जो अभी तक आप समझ नहीं पा रहे हो। दिसंबर 2019 में प्राइजेस जितनी भी थी ना, जितनी भी टेलीकॉम प्राइजेस थी वो हाइक हुई थी। उस हाइक के बाद एवरीवन जो एक्सपेक्ट कर रहे थे मार्केट में, वो समझ रहे थे कि एटलीस्ट 135 के ऊपर का ही रेवेन्यू जाना चाहिए। वो वैसे देखा जाए प्राइस को हाइक ध्यान में रखते हुए, तो ये रेवेन्यू जो 130 का बढ़ा है ना, इतना ज्यादा नहीं बढ़ा है। और जो रेवेन्यू ओवरऑल जियो रेवेन्यू भी हुआ है वो बढ़ा है, पर एक्सपेक्टेशंस जो होनी चाहिए थी उससे अभी वो भी कम है। जी हाँ दोस्तों, रिफाइनिंग का तो बिजनेस लो है ही, पेट्रोकेमिकल का क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 23% लो है और पिछले ईयर से कंपेयर करें तो 13% लो है। सो चाहे रिफाइनिंग हो, चाहे पेट्रोकेमिकल हो, चाहे रिटेल हो, कोई सा भी बिजनेस उसकी एक्सपेक्टेशंस को मीट नहीं कर पा रहा है। कोरोना वायरस का इंपैक्ट है, लॉकडाउन का इंपैक्ट है, और आने वाले सिचुएशन में, आने वाली कंडीशन में और खराब हो सकता है। सो हमें समझना पड़ेगा ये बात कि अभी हमें राइट इशू नहीं लेना है। शेयर में भी अगर हमें परचेज भी करना है तो धीरे धीरे परचेज करना है, क्योंकि एक बहुत बड़ा धोखा हो सकता है रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए जो भी प्राइस इन्फ्लेट हुई है। कभी भी अगर मार्केट करेक्ट होता है, जैसे इस बुल रैली में रिलायंस ने एक बहुत मेजर हाथ दिया था, हो सकता है कभी करेक्ट भी हो तो रिलायंस का एक मेजर हाथ हो सकता है। हमें यहाँ पे कॉशियस रखने की जरूरत है, थोड़ा सा संभल के चलने की जरूरत है। बच के रहना रे बाबा, बच के रहना रे। आई होप आपको ये आज का डिस्कशन समझ आया होगा और कुछ ऐसे पॉइंटर्स मिले होंगे जो अभी तक शायद आपके दिमाग में नहीं पहुंचे थे, आपने अभी तक नहीं सुना था। अगर आप टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और साथ ही अगर आप चाहते हैं कि हम आपका पर्सनली मैनेज करें फाइनेंसेस, डिस्क्रिप्शन में एक हेल्पलाइन नंबर है, मंडे टू फ्राइडे आप कनेक्ट कर सकते हैं, मंडे टू सैटरडे रेदर कनेक्ट कर सकते हैं। और साथ ही जीरोदा में अकाउंट खुलाना हो तो डिस्क्रिप्शन में पहला नंबर जीरोदा का है, पहला लिंक जीरोदा का है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग, और रिलायंस से बच के रहना रे बाबा, अब एटलीस्ट बच के रहना रे। सी यू वेरी सून।